उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव है और मतदान कुछ ही देर में शुरू होने जा रहा है। इस वक्त हम लखनऊ से सटे उन्नाव जिले की बांगड़मऊ जो सीट है वहां पर आज वोटिंग हो रही है, उसके मतदान केंद्र पर मौजूद है। आपको दिखाएंगे कि व्यवस्था यहां पर चाक चौबस्त है और चूंकि कोरोना संक्रमण काल में उत्तर प्रदेश में ये पहला चुनाव होने जा रहा है, इसलिए व्यवस्थाओं में थोड़ा सा परिवर्तन आपको नजर आ जाएगा। आप देख रहे हैं सुरक्षा बल के जवान यहाँ गेट पर ही मौजूद है, इसके अलावा आपको यूपी पुलिस के भी बहुत सारे जवान आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से मतदान की तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। देख रहे हैं कि जो ये बूथ है, पोलिंग बूथ है, उसमें यहाँ पर जो किस क्षेत्र का कहाँ पर वोट पड़ना है उसकी एक जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। इस पोलिंग बूथ पर अलग अलग छोटे छोटे भी बूथ बने हुए हैं जिसमें यहाँ पर वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा आपको दिखाएंगे कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जो आपको जवान यहाँ पर नजर आ जाएंगे। कोरोना संक्रमण काल में सैनिटाइजर की व्यवस्था रखना अनिवार्य है, आपको दिखाएंगे सैनिटाइजर भी यहाँ पर आपको नजर आएगा और मास्क लगाए हुए चाहे वो सुरक्षा कर्मी हो मतदान कर्मी वो भी नजर आ जाएंगे। हर टेबल पे आपको सैनिटाइजर की व्यवस्था नजर आ जाएगी। आप देख रहे हैं हमारे सामने ये एक पोलिंग बूथ है और इस बूथ पर भी यहाँ पर आप देख रहे हैं सैनिटाइजर की यहाँ व्यवस्था की गई है इस कक्ष में भी, और इसके अलावा जितने भी आपको लोग यहाँ पर नजर आएंगे उन सबको मास्क पहनना अनिवार्य है। यानी जो भी वोट डालने आएंगे या जो पोलिंग एजेंट्स होंगे या सुरक्षाकर्मी होंगे सभी को मास्क पहनना अनिवार्य है, सैनिटाइजर रखना अनिवार्य है, उसके बगैर यहाँ पर मतदान नहीं किया जा सकता। तो ये व्यवस्था हम आपको दिखाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि मतदान से ठीक पहले किस तरीके की तैयारियां हैं ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में आज मतदान होना है और उसमें से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी और 1 सीट समाजवादी पार्टी के पास थी। निश्चित तौर पर ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है सरकार के लिहाज से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विधानसभा सीटों पर, जो 7 विधानसभा सीटें हैं उन सभी पर प्रचार किया है। इसके अलावा जो पार्टी के बड़े नेता हैं चाहे वो डिप्टी सीएम हो या पार्टी के जो संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं उन्होंने भी जमकर प्रचार किया है और समाजवादी पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि प्रियंका गांधी भी उपचुनाव के लिए प्रचार पर निकलेंगी लेकिन वो नहीं आई, यानी कांग्रेस को अगर हम हटा भी दें तो भी सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच है। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि यहाँ से वो कुछ सीटें ज़्यादा हासिल कर सके, उसके पास 1 सीट थी, वो कोशिश करेगी कि उसको कुछ भी सीटें बढ़ जाए, और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि 1 भी सीट वो गंवाने ना पाए क्योंकि ये माना जा रहा है कि जो आने वाला विधानसभा का चुनाव होगा उसका ये सेमीफाइनल है। तो सबकी निगाहें इस उपचुनाव पे टिकी हुई है, मतदान किस तरीके का होता है ये भी देखना होगा। कोरोना संक्रमण काल के बीच ये पहला मतदान होगा, निश्चित तौर पर थोड़ी देर में यहाँ पर जो मतदाता है उनकी भीड़ नजर आने लगेगी। कैमरा पर्सन सचिन कुमार सैनी के साथ मानस श्रीवास्तव, उन्नाव न्यूज 24।